व्यक्त करता हूं। श्री निशिकांत दुबे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री महात्मा गांधी जी का कितना सम्मान करते हैं, ये भी अभी जितने भी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम लोग सभी 150 किलोमीटर की पदयात्रा करके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, उसकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। लेकिन सर, कल महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाई है, और ये मैं एडिटोरियल लेकर आया हूँ जनवरी 20, 2013 का, स्पीकर महोदय ये सामना का एडिटोरियल है जो शिवसेना ने बनाया है, और उस एडिटोरियल में जो नाथूराम गोडसे हैं उनको उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा देशभक्त यदि इस देश का कोई है तो नाथूराम गोडसे है, उसके साथ उन्होंने सरकार बनाई है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है, वो सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए, लालच के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इन्होंने जिसके साथ सरकार बनाई, शिवसेना ने अपने एडिटोरियल में, उसी संजय राउत ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि जो नाथूराम गोडसे हैं वो देशभक्त हैं, इसीलिए इनको अपनी ये बातें, ये दोगली चाल, ये इनका जो लालच है, इससे माफी मांगनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए कि वो महात्मा गांधी के प्रति इतने समर्पित हैं। हम सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतने समर्पित हैं कि हमने अभी 150 किलोमीटर की पदयात्रा की, ये इनका दोहरा चरित्र इस देश के सामने आया है, और इनको माफी मांगनी चाहिए। और दूसरा, इनके जो राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक महिला के ऊपर आतंकवाद की बात की, जिन्होंने यहाँ के सदस्य के ऊपर आतंकवाद की बात कही, मेरा आपसे दूसरा आग्रह है कि उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन जो है पेश करना चाहिए, उनको इस सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए और इसको सजा देनी चाहिए, क्योंकि आप कस्टोडियन है, यहाँ के एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कस्टोडियन है, और कांग्रेस के चरित्र को आपको उजागर करना चाहिए।